राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। ये कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। मोटर वाहन विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही ये कानून का शक्ल ले लेगा और उसके बाद सड़क नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कानून में न सिर्फ पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है बल्कि सजा की अवधि भी बढ़ाई गई है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल सकता है। संसद सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कार्य समिति की अहम बैठक बुलाएगी जिसमें प्रोविजनल अध्यक्ष पर फैसला लिया जाएगा। CWC की इस बैठक में राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। बता दें गुरुवार को कांग्रेस महासचिवों की बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया है। उन्नाव रेप मामले में आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी केस उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने उन्नाव पीड़िता के एक्सीडेंट की जांच को 7 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। रामपुर में गुरुवार को जबरदस्त सियासी जंग छिड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर छापे और विधायक अब्दुल्ला आजम से पूछताछ से नाराज समाजवादी पार्टी ने रामपुर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कार्ति चिदम्बरम से 10 दिनों के भीतर अपना जोर बाग आवाज खाली करने का आदेश है। कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति को ईडी ने INX मीडिया केस में जब्त किया था। कार्ति और उनकी मां नलिनी चिदम्बरम की ये संयुक्त संपत्ति है। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के मारे जाने की खबर है। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी संगठन अलकायदा का सरगना था और हमजा को ओसामा का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हमजा की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ये भी साफ नहीं है कि हमजा की मौत कहां और कैसे हुई। गुजरात के वडोदरा में मूसलाधार बारिश से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। वडोदरा में कुछ घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर पानी भर आया। जलभराव के चलते लोगों के वाहन सड़कों में फंस गए और शहर के 6 ब्रिज को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को पूरी सब्सिडी देगी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली माफ के ऐलान को बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने चुनावी लॉलीपॉप बताया। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है अरविंद केजरीवाल फ्री की घोषणाएं करने में जुट जाते हैं और 54 महीने बीत जाने के बाद अब 200 यूनिट फ्री का वादा मिला है।